हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, एमपीपी जीसीएल वैकेंसी निकली है, 2024 की वैकेंसी है ये, प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो इसमें बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी रहेगी 31/3/2024। तो फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। देखिए भाई, ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है ये। तो इसमें जो जबलपुर की जो वैकेंसी है वो 4 तारीख को निकली थी, लेकिन नोटिफिकेशन जो दिखाया गया है वो थोड़ा लेट से दिखाया गया है। तो जो मध्य प्रदेश वाले हैं, एमपी वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो पूरा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैकेनिकल की वैकेंसी है वो 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी 25 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी 8 वैकेंसी, टोटल है 42 वैकेंसी। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको सब चीज़ें बता दूंगा। बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, ठीक है, 100 अंकों का होगा एग्जामिनेशन। बाकी 1 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, वो अलग अलग शहरों में, वो आपकी होगी मध्य प्रदेश राज्य में ही, बाहर कहीं नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आवेदन शुल्क जो लगेगा वो 1200 रुपये लगेगा अनरिजर्व के लिए, एस सी एस टी के लिए 600 रुपये लगेगा। ठीक है, और जो आप एप्लीकेशन करते हो वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, बैंकिंग से कर सकते हो। ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये लिंक आपको दे रखी है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ में दस्तावेज अपलोड किया जाएंगे। दस्तावेज देखिए, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट ले लेना, हाई स्कूल की मार्कशीट है और मध्य प्रदेश निवासी, ये देखो इसने बोल दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको मध्य प्रदेश निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश का होना चाहिए। आपको अगर कोई दिक्कत है इस फॉर्म से रिलेटेड या इस वैकेंसी रिलेटेड, तो आपको हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और इसकी जो आवेदन प्रारंभिक होने की जो तिथि है वो 6/3/2024 से हो चुका था ये, और आपकी लास्ट डेट 31/3 तक रहेगी। ठीक है, 31/3/2024 तक रहेगी। बाकी सारे डिटेल्स मैंने बता दिए, और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स तो नहीं है इसके अंदर, मैं चीज़ें हैं नहीं वो मैं आपको बता देता। जो मध्य प्रदेश वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में देखिए, मैकेनिकल वाले जो हैं वो AICTE या फिर UGC से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी बीटेक कर चुके हो, तो या फिर AMIE करे हो, ठीक है, AMIE भी होती है, तो वो भी करे हो तो आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। 65% अंक होने चाहिए आपके, और 60% आपके होने चाहिए CGPA में। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल में ही प्रोसेस है इसके। इलेक्ट्रिकल में भी क्या है, आपके पास UGC से होना चाहिए, बी बीटेक होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 65% अंक होना चाहिए, और CGPA में 60% होना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने कहा। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में वही प्रोसेस है जितना मैंने आपको बताया, 65% अंक, और आपका बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आयु सीमा की बात करूँ तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और जो भी छूट मिलेगी वो कैटेगरी वाइज के हिसाब से मिल जाएगी, जो आपको सबको पता होना चाहिए। ये छूट की जो प्रोसेस दे रखे हैं ये दे रखे हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा होता है। तो नोटिफिकेशन आप खुद पढ़िए, मैंने जो इम्पोर्टेंट डेट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है। देखिए, चयन और नियुक्ति में देखिए, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांतों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रशिक्षण है, यहाँ पे जो होने वाला है, ठीक है, प्रशिक्षण जो अवधि है मैकेनिकल से 1 वर्ष की होगी, ये भी 1 वर्ष है, ये भी 1 वर्ष है। ठीक है, वेतन भत्ते जो मिलेंगे आपको उसके बाद जो मिलेंगे 56,100, तीनों में 56,100 ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें होने वाली हैं जो भी, और इसमें एक बॉन्ड और है, जैसे आपने, जैसे आपको क्या करोगे, आप ज्वाइन किया आपने, ठीक है, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाह रहे हो तो आपको 2 लाख रुपये का बॉन्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, यह ध्यान रखना। अनुसूचित जाति, और ये हो गया तुम्हारा जनरल के लिए, और अनुसूचित जाति एस सी एस टी के लिए 1 लाख का बॉन्ड है अगर आप छोड़ रहे हो तो, समय से पहले, 1 साल से पहले छोड़ रहे हो तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी मैं इसकी एप्लीकेशन अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी लोग मध्य प्रदेश के हैं, चलिए, तो जो भी लोग मैकेनिकल से हैं या फिर डिप्लोमा करे हुए हैं, आईटीआई करे हुए हैं, बीटेक करे हुए हैं, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको जॉब की नोटिफिकेशन चैनल पे मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए।